स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सिर्फ एक 15 अगस्त के आसपास या 26 जनवरी के आसपास एक देशभक्ति का माहौल बन जाता है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया वो झंडे तो लगाएं, लेकिन वो उनको अपने पैरों में न लगाएं। इस उत्सव के बाद जगह जगह झंडे गिरे हुए होते हैं, स्वच्छता का ख्याल रखें, इससे हमारे झंडे का अपमान होता है। आज पूरे विश्व में एक अराजकता से फैली हुई है। आप बांग्लादेश को भी देख सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पर चपटा पलट की घटना हुई है। ये नफरत की राजनीति क्यों हो रही है? क्यों हमारे बच्चे गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो नफरत की तरफ ना बढ़े। हमारे बच्चों की को आज हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी संगति कैसी है, किस दोस्तों के साथ वो बैठते हैं, समय समय पर उनकी काउंसलिंग करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़माना है, बच्चे कहाँ क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमको उन पर भी थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए और हमेशा उनके साथ खड़े रहना है। नफरत से दूर रखें और देश में और विश्व में प्रेम और सौहार्द की भावना को बनाए रखें। मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद।